हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबसे पहले निफ्टी पर आते हैं, तो निफ्टी पर आने से पहले मैं आपको दोस्तों आज दिखाना चाहूँगा कि आज हमने हमारे स्टॉक्स में हमें कितना अच्छा टारगेट अचीव हुआ। आप ये देखेंगे, सबसे पहले हमें TCS में, टेक महिंद्रा में सॉरी, कितना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में ही हमें अराउंड 1 घंटे के अंदर अंदर ही 1:2 का टारगेट हमें मिल गया। उसके बाद दोस्तों हमारा IGL भी आउट परफॉर्म कर गया, बहुत अच्छा खासा टारगेट दे गया हमें 1:4 का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बैंक निफ्टी दिया था कि मेरे को उसमें थोड़ी सी, मैंने आपको बताया भी था कि हमें एक छोटा सा स्कैल्प करना है इसमें, हमें ना एक बड़ी डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी इसमें, ठीक है, कि बड़ा हमें टारगेट मिले। मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा स्कैल्प करना, ठीक है, और आप देखेंगे भी तो छोटे स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी 1:2 की हमको इसमें इजिली मिल गई, ठीक है। अब आप दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम निफ्टी पे आते हैं अपने सबसे पहले, तो निफ्टी पे दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अब मैं इन जोन्स को हटा देना चाहता हूँ, ठीक है। अब निफ्टी में मेरे को बैंक निफ्टी की तरह एक काइंड ऑफ एक्सपेंडिंग चैनल्स मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कि निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स दोनों की दोनों ही एक्सपेंड हो रहे हैं, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी दोस्तों। तो इन्हीं के अंदर दोस्तों, इन चैनल के अंदर ही हमें कहीं ना कहीं अब अपनी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। जब तक इन चैनल का ब्रेक हमें नहीं मिलता दोस्तों, एक क्लियर कट, तब तक हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कोई एग्जैक्ट ट्रेड या फिर एग्जैक्ट ट्रेंड फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इन चैनल का ब्रेक होने का वेट करिएगा, ठीक है, और जैसे इसका ब्रेक मिले आपको तो आप इसमें एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना के देना चाहता हूँ, जैसे ही निफ्टी इस जोन के नीचे आता है तो कहीं ना कहीं आप छोटा सा एक स्कैल्प अपॉर्चुनिटी इसमें भी ग्रैब कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले इंडेक्स पे, जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिया भी था, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे दोस्तों यहाँ पे कहीं पे हमने कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढी भी थी इसके अंदर, ठीक है। हाँ, ये रही दोस्तों, यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने देखा होगा एग्जैक्ट यहाँ पे मेरे को एक सिमेट्रिकल पैटर्न मिला था, है ना, और इसके इस फॉल तक हमने इसमें टारगेट अचीव करा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे तो हमें कितना अच्छा खासा वापस से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिल गया और बैंक निफ्टी वापस ऊपर चला गया। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको एक स्कैल्प अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कहा था, एक आपको बड़ा टारगेट नहीं रखने के लिए मना करा था दोस्तों, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जरा मैं पहले इन लेवल्स को हटा दूँ, ये मैंने इंट्राडे के लिए आज के लिए बनाए थे अपने। जी दोस्तों आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी एग्जैक्ट उसी चैनल पे से रिजेक्ट होकर ऊपर आया है, ठीक है, जिस चैनल को कल मैंने आपको बना के दिया था, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो लेवल तो यहाँ तक का है। अगर बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हमें हमारे प्राइवेट सेक्टर्स भी थोड़े से पॉजिटिव दिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक वापस से स्कैल्प अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर आप, इस लेवल के ऊपर आप एक अच्छा खासा बाइंग टारगेट तो देख सकते हो दोस्तों। तो बैंक निफ्टी को भी कल अपनी वॉचलिस्ट में आप जरूर बना के रखिएगा, और एक छोटा स्कैल्प अपॉर्चुनिटी निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो खैर मैं आपको अभी ट्रेड करने के लिए मना ही कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप सिर्फ ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं तो इनमें एक छोटी सी स्कैल्प अपॉर्चुनिटी आप फिर भी देख सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं हमारे स्टॉक्स की लिस्ट पे, तो सबसे पहला जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है बेल। दोस्तों बेल को हम देखेंगे तो थोड़ा पीछे से एनालाइज करते हैं इसको, बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं थोड़ा सा 1 आवर के पे। दोस्तों आप देखेंगे तो बेल हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पे आया था, फिर उसके बाद मार्केट इतना नीचे गैप डाउन खुला, ठीक है, और उसके बाद ये रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट के बाद दोस्तों इसने लोअर हाई बनाने की जगह, आप देखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस में लोअर हाई की जगह इसने हायर हाई बनाया है, ठीक है। अब इसमें हाई प्रोबेबिलिटी दोस्तों ये है कि कल ये इस रेंज का ब्रेक देगा और एक वापस एक ट्रेंड अप ट्रेंड की साइड ऊपर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखेंगे, क्योंकि कल ये आपको सिर्फ इंट्राडे ही नहीं, एक स्विंग ट्रेड में भी बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देने वाला है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस।
आई ब्लाउजिंग फाइनेंस में पहले मैं आपको दोस्तों पीछे से आगे दिखा देता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आगे दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है दोस्तों, जो कि अराउंड डेली टाइम फ्रेम, दोस्तों इस सबसे बड़ा टाइम फ्रेम डेली यहाँ से कंटिन्यू होती आ रही है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा, तो ये एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट लेके इसने एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। अब इसमें हाई प्रोबेबिलिटी तो दोस्तों यही है कि ये ऊपर की तरफ कलम में ब्रेकआउट देगा, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हम एक रीटेस्ट का छोटा सा वेट कर सकते हैं, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो, ठीक है। और एक अच्छा खासा इंट्राडे का टारगेट तो इसमें आपको बहुत इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बट आप इसको स्विंग ट्रेड में भी होल्ड करके रख सकते हैं, अगर इसने इसका ब्रेक दिया तो अपसाइड की तरफ, ठीक है, और ये आपको इसके प्रीवियस स्विंग हाई तक आता हुआ मिल सकता है दोस्तों। बट ये अगर दोस्तों कल इसके सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता है ना, ये जो मेजर सपोर्ट जोन है इसका अराउंड 242 के लेवल को, तो दोस्तों फिर हम इसमें क्लियरली नेगेटिव साइड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपनी एक मेजर सपोर्ट को तोड़ देगा ना, तो इसका मतलब एक ट्रेंड चेंज हो चुका है दोस्तों। अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि है इंडसलैंड बैंक। दोस्तों इंडसलैंड बैंक में मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको एक चीज दिख रही होगी, तो इसमें भी एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ पैटर्न देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। मार्केट ने एक स्ट्रक्चर का ब्रेक करा, रिटेस्ट करा स्ट्रक्चर का, और स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के अंदर ही बार बार घूम रहा है, ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमें किसी भी तरफ ब्रेक दे, क्योंकि सिमेट्रिकल पैटर्न का तो दोस्तों मतलब ही ये होता है कि ये हमें किसी भी तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न तो होते नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें एक अच्छा खासा नेगेटिव साइड का फॉल तो देख सकते हो, और दोस्तों आप कहेंगे कि मैंने ये इनमें लाइंस तक इनकी क्या कहते हैं इनको विक्स तक रिटेल विक्स की लाइन को टच नहीं करा, तो मैं उसका रीजन बताना चाहूंगा आपको दोस्तों। जब भी आपको लगे कि थोड़ा मार्केट में आपको मतलब चार्ट पैटर्न बनाने में डिफिकल्टी हो रही है, तो सिंपल यहाँ पे लाइन चार्ट्स पे जाइए आप, और लाइन चार्ट्स पे आके देखिए, तो सिंपल आपको दिख रहा होगा कि एक काइंड ऑफ पैटर्न सिंपल हमें इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, जहां से ये नीचे से अच्छी खासी हमारी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब मार्केट में हमें इस रिटेस्ट के ब्रेक होने का वेट करना है, और जब भी हम मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं हमारे सबसे आखिरी स्टॉक पे, जो कि है मैकडोवेल्स। दोस्तों मैकडोवेल्स में मैं कोई ज्यादा रॉकेट साइंस एनालिसिस आपके लिए नहीं लेके आया, मार्केट आज सिर्फ एक चैनल में ही अप एंड डाउन में क्लोज हो गया, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मार्केट में दोस्तों कल आपको वेट करना है कि इस चैनल का ब्रेक मिले, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव साइड भी हो सकता है या तो वो नेगेटिव साइड भी हो सकता है, ठीक है, बट आपको वेट करना है कि इस चैनल का ब्रेक हो, और इस चैनल के ब्रेक होते नहीं दोस्तों आप इसमें बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं, और इंट्राडे में तो मिनिमम 1:2 का टारगेट आप इसमें लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्टॉक्स, आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है जिसमें हम लाइव मार्केट के अपडेट्स देते रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।